channel. Presenting to you the first Mahindra XUV 500 on the channel of Sai Auto Accessories, but the best Mahindra XUV 500 customized all over India. क्योंकि एंट्री शॉट्स पे जो आप लोग ने देखा है कॉन्सेप्ट, वंस अगेन वी आर बैक विद द लाउंज कॉन्सेप्ट जो हमने अर्टिगा में किया था. द सिमिलर कॉन्सेप्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द महिंद्रा XUV 500. स्टार्ट करते हैं. बिफोर लुक आप लोग ने देखा था कि गाड़ी जब आई थी तो क्या कंडीशन में थी, एंड जब जा रही है 6 साल पुरानी गाड़ी है. द कंप्लीट कलर ऑफ द कार हैज बीन चेंज टू द मिलिट्री ग्रीन मैट शेड. यस, इट्स नॉट अ मेटालिक कलर, मैट शेड कलर है. खाली लुक देख सकते हैं, 30 डेज का टाइम लगा है गाड़ी को बनाने के लिए, पूरे 1 महीने का. बट द फिनिशिंग, द क्वालिटी, द वर्क हैज बीन डन टॉप नॉट क्वालिटी. जितने भी डेंट्स थे, स्क्रैचेस थे, एक ब्रांड न्यू कार भी बोलता हूँ मैं XUV में. W4, W6, W8, W10 आती है, बट ये W10 के ऊपर की कुछ चीज आप लोग को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी. सो द अलॉय व्हील्स ऑफ द कार हैज बीन पेंटेड इन द मैट ब्लैक. टायर फेंडर्स जो थे मैं बेसिक, उसको भी मैट ब्लैक में कोट किया हुआ है. डोर वाइजर हमने लगाए हुए हैं ऑटो क्लोवर ब्रांड फुल ब्लैक. यस, ये रेगुलर वो महिंद्रा के डोर वाइजर बिल्कुल भी नहीं है. स्टार्टिंग फ्रॉम द मिरर टिप एज से लेकर पीछे तक आते हैं. खाली एक पेंट वर्क की मैं बात करूंगा कि फिनिशिंग लेवल एंड गेटअप क्या है गाड़ी का, आप लोग देख सकते हैं. थोड़ी सी हमने क्रोमिंग की है हैंडल पे, एंड साइड डोर मोल्डिंग हमने लगाई हुई है. बट वीडियो बनाने का जो पर्पस है, मैं वंस अगेन हर बार बोलता हूँ, क्वालिटी अगर मैं बोलता हूँ तो उस चीज को आप लोग देख सकते हैं वीडियो में. प्रेजेंटिंग टू यू द लाउंज इंटीरियर इन द महिंद्रा XUV 500. खाली एक वो जो DC का कॉन्सेप्ट है कि एक लिमोजिन में जो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 8 सीटर को 4 सीटर कन्वर्जन छोड़ के, बाकी सब जो पूरा कॉन्सेप्ट है 36 पैनल्स जितने भी गाड़ी में आते हैं, ईच एंड एवरी पैनल हैज बीन कोटेड इन द चारकोल वुडन. यस, द पावर विंडो के जो हमारे बटन का कंसोल है, जो हैंडल जिसको पकड़ के हम गाड़ी में बैठते हैं या उतरते हैं, स्पीडोमीटर की रिंग्स की मैं आप लोग से बात करूंगा. द स्पीडोमीटर रिंग हैज बीन कोटेड इन द चारकोल वुडन. स्पीडोमीटर का कर्व हम लोग देख सकते हैं. स्टेयरिंग ऑफ द कार हैज बीन डन इन द चारकोल वुडन विथ वन एंड जो सेकेंड ये महिंद्रा के स्टेयरिंग कंट्रोल की रिंग है, रेस्ट इज अ प्योर लेदर स्टिच. डैशबोर्ड ऑफ द कार हैज बीन रैप्ड इन द लेदर कॉफी कलर. जो XUV 500 न्यू 2020 में जो डैशबोर्ड आता है, पेंटेड आता है, हमने पेंट लेदर वर्क किया हुआ है. हाफ हाफ इज अ सॉफ्ट फील कोटिंग. वंस अगेन लुक देख सकते हैं. द इंटीरियर ऑफ द कार हैज बीन डन इन द डुअल टोन एलमंड. वंस अगेन जो न्यू फॉर्चुनर का इंटीरियर है, जो BMW 5 सीरीज का इंटीरियर है, एलमंड कलर की टोनिंग हमने यूज की हुई है. सो लुक देख सकते हैं कि एक क्लोजअप में, एक वाइड व्यू में गाड़ी का, खाली दरवाजा अगर हमने खोला है, चारों दरवाजे खोलने के बाद एक लाउंज कॉन्सेप्ट अगर हम बोलते हैं तो लाउंज का पूरा फील उसके अंदर आता है. देख सकते हैं इट्स अ लेदर रैप. पीछे की जो पार्सल ट्रेस आती है, कंपनी XUV क्या है, मारुति की गाड़ियों में बहुत इजीली सीट कवर लग जाता है. हसन जी ने स्पेशली सीट कवर फिट किए. मैं वंस अगेन नाम लूंगा उनका. द कंप्लीट फाइबर हैज बीन कोटेड इन द लेदर. यस, जो ये फाइबर आता है इट हैज बीन कोटेड इन द लेदर. साइड पैनल्स, जो साइड पिलर्स हमारे आते हैं, उसको लेदर कोट किया है. लोअर सेक्शन हैज बीन कोटेड इन द आलमंड. AC की जितनी भी ग्रिल्स है इट हैज बीन कोटेड विथ अ LED. AC की जितनी भी ग्रिल्स हैज बीन कोटेड इन द LED. रूफ टॉप ऑफ द कार हैज बीन कोटेड इन अ स्वेड वेलवेट ब्राउन कलर. लास्ट टाइम जैसे अर्टिगा में आप लोग ने देखा था, द सेम इंटीरियर कॉन्सेप्ट हैज बीन डन इन द महिंद्रा XUV 500. सीट कवर्स ऑफ द टॉप गियर ब्रांड विथ अ अल्ट्रा सॉफ्ट फैब्रिक हमने उसके अंदर यूज किया हुआ है. जो टॉप गियर की सिग्नेचर सीरीज आती है उसको भी हमने एलमंड एंड बैक साइड इट इज अ कॉफी. कंपनी का आर्मरेस्ट जो आता है बाय डिफॉल्ट, उसको ड्यूअल टोनिंग में किया हुआ है कॉफी. एंड ये जो टेस्ला टाइप प्लेयर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द महिंद्रा XUV 500. दो ही गाड़ियों के लिए ये बनता है, एक महिंद्रा XUV और एक फॉर्चुनर. लुक देख सकते हैं, 15 इंच का 15 इंच की ये स्क्रीन आती है. अ वेरी हाई क्वालिटी डिस्प्ले.
एसी जो बटन से थी पहले वो टच पे हो गई है, चाहे वो हमारा कंट्रोल हो, यू कैन सी द टच पे है पूरा, ब्लोअर हो या टेम्परेचर कंट्रोल हो, एवरीथिंग इज ऑन द टच। क्वालिटी डैशबोर्ड के ऊपर का हमारा ये जो है ग्लो बॉक्स, उसको भी हमने कोट किया हुआ है द चारकोल वुडन फील में। अ एक्सक्लूसिव इंटीरियर एंड कुछ प्रीमियमनेस को एंड लग्जरी को वंस अगेन एक अलग लेवल पे लेके गए हैं कि गाड़ी में आप बैठोगे तो एक अलग फील, एक अलग लुक आना चाहिए। ईच एंड एवरी पैनल हैज बीन रिमूव्ड आउट ऑफ द कार। देख सकते हैं कि फिनिशिंग क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या लेवल पे बात हुई। टॉप गियर के हमने देखे, फ्लोर मैट्स भी सेम टू सेम कलर में है, जो कंपनी का जैसे ब्राउन कॉफी कलर का कारपेट आता था एंड वेरी प्रीमियम आता है महिंद्रा में, तो एलमंड मैट विद ब्लैक ग्रास पाम इसके ऊपर रखा, कचरा वगैरह जो भी जमा हो रहा है, दिस थिंग इज रिमूवेबल एंड इजी टू क्लीन, बेस मैट एंड उसके ऊपर का लेयर। द लेक्सस लाइट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कार, एक एम्बियंस में जो ये कर्व्स आ रहे हैं महिंद्रा का, जैसे मस्क्यूलर लुक ऑलरेडी फेमस है, तो खाली लाइट्स जो हमने लगाई हैं ये हैंडल के अंदर बाय डिफॉल्ट महिंद्रा से आती थी और उसको मैच करके जो हमने लगाई है, एंड ये रिमोट के साथ आती है, जो कलर पे आप हाथ रखो उस कलर की ये चीज़ हो जाती है। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। द रिमोट ऑफ द कार हैज बीन कन्वर्टेड टू अ न्यू डिज़ाइन, जिसमें सिल्वर मैट क्रोमिंग एंड विद अ महिंद्रा बैजिंग। लुक देख सकते हैं कि रिमोट का क्या है, चारों दरवाजे में स्पीकर्स हमने लगाए हुए हैं हर्ट्ज के, एंड उसका इफेक्ट भी हम लोग सुनेंगे। सर बैठो जरा। टेस्ला टाइप जो प्लेयर आता है, जो साउंड आउटपुट इसके अंदर आता है, स्पीकर तो लगे हुए ही थे, वो निकाल के हमने हर्ट्ज के कंपोनेंट लगाए हुए हैं। खाली इफेक्ट की मैं आप लोग से बात करूंगा, ओनर ऑफ द कार अभिनव जी भी हमारे साथ है, सर आपका मैं वेलकम करूंगा। क्या इफेक्ट है सर, जो हमने ना कोई वूफर लगाया ना कुछ लगाया, बट साउंड में क्या क्लैरिटी है, क्या मैं थोड़ा सा पहले साउंड व्यूअर्स को सुनाऊं? क्लैरिटी अगर मैं 100% बोलूं तो भी कम है ये, इन्होंने रोहित भाई ने और अनुज भाई ने अपना 200% के ऊपर दिया हुआ है, जितना मैं सोचा नहीं था, जितना इन्होंने बोला अपने वर्ड्स पे, जो जबान दिया उससे डबल अच्छा काम करके दिया है मुझे। ओके सर, परफेक्ट काम था, वेरी गुड। लगाया हुआ है ग्लॉस ब्लैक में, द न्यू इंट्रोड्यूस फ्रंट एंड रियर बम्पर डिफ्यूजर, गाड़ी का बम्पर इधर तक ही आता है बट ये जो एक्सटेंशन हमने लगाया हुआ है वंस अगेन एक मस्क्यूलर लुक को एनहेंस कर रहा है। लुक देख सकते हैं, उसको भी हमने कोट किया हुआ है मिलिट्री ग्रीन एंड ब्लैक इन फिनिश में। रिफ्लेक्टर लाइट्स पीछे जो हम लगाते हैं ब्रेक मारने पे, एलईडी का उसमें मोड है, वो हमने गाड़ी के अंदर लगाई है। द इल्यूमिनेटेड फुटस्टेप एज सून एज यू ओपन द डोर, महिंद्रा एक्सयूवी 500 नेम एंड उसमें इल्यूमिनेशन है, कोई चीज में मतलब सर ने भी हमको मना नहीं किया, उन्होंने बोला है कि खाली आप अपने हिसाब से गाड़ी बनाइए, एंड क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस टोटली ऑन एन अनदर लेवल। लास्ट रो पीछे का जितना भी पैनल्स है, एक एम्बियंस किया हुआ है, चाहे वो हमारा लास्ट सेगमेंट हो, लाइट्स हर जगह पे एक इल्यूमिनेट कर दिया है बट इन द रॉयल कलर, ये नहीं कि ब्लू व्हाइट कुछ भी, ये है जो हमारे सीट कवर का कलर है उसी कलर की लाइट्स इफेक्ट हमने दी हुई है। फ्लोर मैट भी लास्ट रो में आ रही है। ईच एंड एवरी कॉर्नर पे मैं बोलूंगा वंस अगेन खर्चा हुआ है, एंड ईच एंड एवरी पैनल पे एक टोटली अलग गेटअप गाड़ी के अंदर देने की कोशिश की है। द व्हाइट लाइट सेटअप हैज बीन डन इन द कार, प्रोजेक्टर के जो बल्ब हैं इट हैज बीन अपग्रेडेड विद अ हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज, एंड मैं हर बार हर गाड़ी में दिखाता हूँ बट महिंद्रा में फर्स्ट टाइम व्हाइट एंड येलो का हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है। सो दिस इज द येलो लाइट फोकस, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन व्हाइट लाइट भी इसमें दी हुई है। सो दिस इज द टोटली क्रिस्टल क्लियर व्हाइट लाइट, ये थोड़ा सा इवनिंग का टाइम है फिर भी वॉल पे आप लोग लाइट देख सकते हैं कि क्या है, जब आप फॉग वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो व्हाइट लाइट इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। एक रेंज, एक थ्रो
एन ए क्लास देख सकते हैं कि क्या लेवल पे गाड़ी का लुक है। सो महिंद्रा XUV 500 विद अ कम्प्लीटली लाउंज एंड अ प्रीमियम इंटीरियर को हम लोग देख सकते हैं कि क्या लेवल पे गाड़ी कस्टमाइज हुई। सो ओनर ऑफ द महिंद्रा XUV 500 द मिलिट्री ग्रीन पेंट द लाउंज इंटीरियर एंड द टेस्ला टाइप स्क्रीन, हर वो चीज़ जो XUV में लग सकती थी हमने लगाई है और सर ने भी हमको कोई चीज़ में मना नहीं किया है, जो चीज़ लग सकती है यस है एग्री है। 30 डेज का टाइम लगा है, छोड़ के गए थे वीडियोस देख के कि क्या एक हमारी गाड़ी है महिंद्रा में करिए। अभिनव जी का हम वेलकम करेंगे शॉप पे एंड उनके फ्रेंड्स हैं उनका भी वेलकम करेंगे। कैसी लग रही है सर ओवरऑल गाड़ी आप बताइए देखेंगे। ये जब मैं पहले YouTube में आप लोग का देखा था, फिर YouTube में देखने के बाद मुझे सजेशन मिला कि आपके पास एक बार विज़िट करूँ। विज़िट करने के बाद जैसे अनुज जी ने हमसे डील किया लाइक डायरेक्टली, मतलब विदाउट एनी सेकंड थॉट उन्होंने बोला ये करा आप ये करिए वो करिए, बट पूरा आइडिया इम्प्लीमेंटेशन एंड द टीम अनुज ने पूरा किया हुआ है। जी जी, एग्जीक्यूट डिज़ाइन को करना। जी, डिज़ाइन को उन्होंने जिस हिसाब से मैंने बोला था, जिस हिसाब से इन्होंने अपना वर्ड्स बोला, अपना वर्डिंग्स दिया कि अभिनव जी आप मेरे पास छोड़ दीजिए 10 दिन 12 दिन, मैंने बोला आप 25 दिन रखो, लेकिन आप ऐसा काम करो कि कोई मतलब आज तक आपका काम ऐसा हुआ ना हो। इतनी फास्ट डीलिंग हमने भी नहीं देखी थी कि आए और बोला ये डन 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 फटाफट डन। उन्होंने एक ट्रस्ट दिखाया कि यार बनाओ अपने हिसाब से। एक वो एक यंगस्टर वाला रहता है ना फीलिंग, एक यंगस्टर वाला जो सामने बोलेगा समझ में आता है, उसके हाव भाव से ही समझ में आ जाता है कि किस लेवल का काम किया है। और वो गाड़ी देखने के बाद वो पूरा मेरा लेवल जो 100% था वो अब 200% हो चुका है कि अब मैं दूसरी गाड़ी भी आपके पास ही देने वाला हूँ। स्पेशली इंटीरियर, इंटीरियर इज लाइक मोर देन सेटिस्फैक्शन, एक छोटा वर्ड है उसके लिए। अगर आप इंटीरियर अभी देखे रहेंगे वीडियो में तो वो मोर देन 200% मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है। एंड थैंक यू अनुज, थैंक यू वंस मोर, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। आपके आदमी लोग ने जो काम किया, जो सपोर्ट किया, काफ़ी बेटर किया। लेकिन सर का भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान रहा कि मतलब जो मैट ग्रीन कलर हर कोई डेयरिंग नहीं करता है करने की, जो सर ने एक हम पे भी भरोसा किया और बोला कुछ अलग करना है। मैट ग्रीन इसलिए किया, मैट ग्रीन का मेरे एक बड़ा रीज़न है, मेरा जो बड़ा भाई है वो आर्मी में है, तो वही सोच के हम लोगों ने इनको एक सजेशन दिया कि ये मैट ग्रीन करते हैं, भाई को भी थोड़ा एक खुशी हो जाएगा और काफ़ी बेटर लुक भी दिख रहा है जो इस हिसाब से। भाई के लिए भी एक सरप्राइज था, आज साथ में आए हैं, ब्रदर से भी जानेंगे कि सर आप बताइए कि कैसी लग रही है गाड़ी। भाई मैं तो फर्स्ट टाइम आज देखा हूँ ये गाड़ी बनते हुए और रियली क्या गाड़ी बनी है, इसके लिए मैं फिर से इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि कभी भी ऐसा गाड़ी बनाना होगा तो इन्हीं के पास आना भाई। 6 साल पुरानी गाड़ी लग भी नहीं रही है। 6 साल 2014 की गाड़ी है बट 2020 की नहीं, 2022 की गाड़ी, 22 की गाड़ी। ये तो मैं कहूँगा ये तो लेटेस्ट वर्जन आया है अभी 2020 में अगर देखूँ तो। बहुत अच्छा, ओके सर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। सो फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द महिंद्रा XUV 500, फर्स्ट गाड़ी है महिंद्रा XUV 500 चैनल पे, बट मैं ऐसा बोलता हूँ ना दोबारा होगी और ना दोबारा बन पाएगी, क्योंकि जो मेहनत एंड लेवल इसके अंदर हुआ हुआ है दोबारा बनेगी, बिल्कुल इससे ऊपर बनेगी, बट ये जो है एक सिग्नेचर है, एक मेमोरी है एंड एक उसके अंदर यादगार हमने डिज़ाइन की हुई है। प्राइजेस के लिए ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर भी एक ओवरऑल एस्टिमेट में आप लोग से बताऊँ 2.5 लाख रुपीज़ का कंप्लीट एस्टिमेट ये गाड़ी का स्पेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग एंड